डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जिनके नाम 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, लेकिन आज उनके ऊपर एक स्कैमर होने का दाग लग चुका है। 5 महीने पहले मेरे को एक देखा और काफी यूट्यूबर है वो, और मेरे को अच्छा लगा कि मैं बिजनेस सीख सकता हूँ। ऐसा मैंने एनुअल वगैरह करा, कोर्स वगैरह थे जैसे टाइप के। अब क्या 3 महीने बाद मेरे को दिक्कत आ रही है, उसमें जो प्रोडक्ट जो बता रहे हैं कि ऐसा है जाएगा, मतलब बिजनेस सीखने को मिल जाएगा, मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसको लेकर, जो कोर्स को लेकर एक्चुअली कुछ नहीं था उसमें, सब फेक था सब। कितने पैसे दिए आपने वहाँ पर? 50,000 दिए सर मैंने। तो क्या डॉक्टर विवेक बिंद्रा सही में एक स्कैमर है या ये सिर्फ उनकी इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है? देखो, इनके ऊपर इल्जाम है कि पैसे कमाने के लिए पिरामिड स्कीम को अपना रहे हैं। अब जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि ये पिरामिड स्कीम या नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये सब एक ही चीज है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आप चाहो तो उसको चेक कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो, ज्यादातर जो बिजनेस है वो मल्टी लेवल मार्केटिंग पर ही काम करते हैं, फिर चाहे वो विवेक बिंद्रा जी हो या एंड्रयू टेट, सभी इसी स्कीम को फॉलो करते हैं। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग इस स्कीम से बिजनेस करते हैं और कुछ लोग स्कैम। का मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा कि स्कूल या कॉलेजेस में जो आपके टीचर्स होते हैं वो आपको कमीशन देते हैं। अगर आप अपने किसी रिलेटिव या फ्रेंड का एडमिशन उनके स्कूल में करवा देते हैं तो अब यहाँ भी एक तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग हो रही है। तो क्या इसका मतलब है कि स्कूल और कॉलेजेस वाले भी स्कैम कर रहे हैं? तो इसका जवाब है नहीं। मैं आपको समझाता हूँ कि MLM स्कैम और MLM बिजनेस में क्या फर्क होता है। उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। देखो, जब मैं स्कूल चेंज कर रहा था तब मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे बताया कि ये एक्स नाम का स्कूल है जो बहुत अच्छा है, यहाँ का स्टाफ, एजुकेशन, अदर एक्टिविटीज सब कुछ बहुत बढ़िया है और फीस भी काफी सही है। उसकी बात मानकर मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया। टाइम बाद मुझे रियलाइज हुआ कि जो जो उसने बताया था वो सब सच था, स्कूल सही में काफी अच्छा था। अब यहाँ जो वो प्रॉपर बिजनेस था, लाइक स्कूल वालों को न्यू एडमिशन मिल गया, मेरे दोस्त को कमीशन मिल गया और मुझे एक अच्छा स्कूल मिल गया, यानी सबका फायदा हुआ। इसके बाद जब मैं कॉलेज ढूंढ रहा था तब मेरे एक सीनियर ने उसके खुद के कॉलेज के बारे में बताया कि देख, कॉलेज बहुत अच्छा है, यहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं एंड जॉब लगने की फुल गारंटी होती है। सेम चीज वहाँ के प्रिंसिपल ने भी मुझे बताई एंड जब मैंने एडमिशन ले लिया तब पता लगा कि ये सब एक फ्रॉड था। उस कॉलेज का स्टाफ, एजुकेशन लेवल सब कुछ बकवास था और फीस जो थी वो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं कर रही थी। एक तरीके से उन्होंने अपने 2 रुपए का कॉलेज मुझे 200 रुपए में बेच डाला। मैंने कॉलेज चेंज करने की भी कोशिश की लेकिन वो मेरे डॉक्यूमेंट्स लेकर बैठे थे एंड वापस करने के बदले और भी पैसों की डिमांड कर रहे थे। अब यहाँ जो वो एक प्रॉपर स्कैम था क्योंकि यहाँ सिर्फ कॉलेज वालों का फायदा हुआ एंड उस सीनियर का भी जिसने मुझे वहाँ एडमिशन दिलवाया। उसने सोचा होगा कि मेरे तो पैसे डूब गए हैं तो अब मैं दूसरों को फंसा कर खुद के पैसे तो वसूल करूंगा। देखो, यहाँ कॉलेज वालों का मेन फोकस एडमिशन करवाने पर था, उन्होंने कभी भी अपने कॉलेज को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की। इसी तरीके से जो एंड्रयू टेट हसलर यूनिवर्सिटी चलाता है वो वहाँ जो नॉलेज बेच रहा है वो नॉलेज आपको फ्री में यूट्यूब से मिल जाती है। सेम केस डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का है। यहाँ इन पर इल्जाम लगे कि ये जो नॉलेज दे रहे हैं 50,000 में, वो नॉलेज तो आपको फ्री में ऑनलाइन मिल रही है, तो फिर ये पैसे किस बात के ले रहे हैं? जिन्होंने इनका कोर्स खरीदा था उनका कहना है कि ये लोग डॉक्टर विवेक बिंद्रा के पास बिजनेसमैन बनने के लिए आए थे पर ये लोग यहाँ इनको सेल्समैन बना रहे हैं। यहाँ से पक्का बिजनेसमैन बन जाओगे ऐसा करके, यहाँ अगर आ गए तो बिजनेसमैन ही बनोगे आप, यहाँ से कुछ भी नहीं, वहाँ सेल्समैन बना रहे। मोटिवेशन देकर वो देकर माइंड डाइवर्ट कर देते हैं कि आप यहाँ पर आ जाओ तो बिजनेस सीख ही जाओगे। अब ये मामला कोर्ट में जाएगा पर मैं विवेक बिंद्रा जी से यही कहना चाहूंगा कि अगर आपकी गलती है तो माफी मांग लो और पैसे वापस कर दो, फिर चाहे ये गलती आपसे हुई हो या आपकी टीम से। जहां मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन सिर्फ एक्सपीरियंस लेकर ही बना जाता है, ऐसे 2-3 कोर्स लेकर कोई बिजनेसमैन नहीं बनता। आप खुद बिजनेस करते हो, फेल होते हो, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करके वापस खड़े होते हो, तब जाकर बनता है सक्सेसफुल बिजनेसमैन। ये कोर्सेज आपको जरूर थोड़ी बहुत नॉलेज दे देंगे पर आपको बिजनेसमैन नहीं बना सकते। तो बस दोस्तों, इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना और कुछ कमी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय दोस्तों।